यह कहानी है धौलपुर के वीरों के अदम्य साहस की। यह गाथा है धौलपुर के वीरों के बलिदान की। यह कथा है धौलपुर के स्वाभिमान की, धौलपुर के उन वीरों की जिन्होंने मोरोली जैसे छोटे से गांव से निकलकर विदेशी धरती पर अपनी हिम्मत और शौर्य का लोहा मनवा दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक, जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया, उसमें भारतीय सैनिकों ने विदेशी जमीन पर पहुंचकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारतीय इंग्लैंड की ओर से ही मित्र देशों के लिए दुश्मनों से लड़ा। सामने थे जर्मनी साम्राज्य और उनके समर्थक राष्ट्र। भारतीय रियासतों ने भी अंग्रेजों का बढ़ चढ़ कर साथ दिया और अपनी सेना और धन संपदा युद्ध के लिए दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय धौलपुर में राणा उदयभानु सिंह का राज था। धौलपुर रियासत की सेना नरसिंह इन्फेंट्री के नाम से जानी जाती थी। उस समय धौलपुर सेना में लगभग 650 सैनिक थे। महाराज उदयभानु सिंह ने अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए अपनी सेना में से मोरली गांव के रहने वाले 200 लड़ाका सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा। इसके अलावा लगभग 32,000 रुपए युद्ध के लिए उपहार स्वरूप दिए और 25,000 रुपए युद्ध के लिए दान दिए। साथ ही लगभग 45,000 रुपए की कीमत की 2 मोटर कार भी अंग्रेजों को दी। यही नहीं, लगभग 1,30,000 रुपए अंग्रेजों को युद्ध के लिए भी कर्ज के रूप में दिया। इन सब के बाद भी सेना के साथ और भी पैसा अलग अलग मद में धौलपुर रियासत से अंग्रेजों ने लिया। धौलपुर रियासत की नर्सिंग इन्फेंट्री के 200 जवान, जिसमें गुर्जर समाज के सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी, उनको युद्ध के लिए पानी के जहाज से यूरोप की धरती पर ले जाया गया। इस युद्ध में जर्मन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है, की लड़ाई से लेकर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चों पर और मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को दुश्मन तोपों के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जवानों ने पूरी हिम्मत और बहादुरी से जर्मन एवं उसके सहयोगी देशों के सैनिकों से लोहा लिया। भारतीय आधुनिक हथियारों से अनजान थे। उन्होंने पहली बार अत्याधुनिक हथियार और पानी के जहाज देखे थे। साथ ही इतनी ठंड में युद्ध का अनुभव भी उनके लिए पहला ही था। के बाद भी उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। जिन भारतीय सैनिकों को अंग्रेज चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, उनकी बहादुरी और हिम्मत के अंग्रेज कायल हो गए। धौलपुर के लड़ाके बहादुरी से लड़े और जर्मनी के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। इस युद्ध में धौलपुर के 50 सैनिक शहीद हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर भारत के लगभग 1,000,000 सैनिक लड़े थे, जिनमें से 74,187 सैनिक शहीद हो गए और लगभग 67,000 सैनिक घायल हो गए। भारतीय सैनिकों को बहादुरी के लिए ब्रिटेन के सर्वोच्च सैनिक सम्मान विक्टोरिया क्रॉस और कई वीरता मेडलों से सम्मानित किया गया। धौलपुर के मोरोली गांव के वीरों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से धौलपुर रियासत का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कर दिया। धौलपुर के सैनिकों के विश्व युद्ध से वापस आने के बाद महाराज राणा उदयभानु सिंह ने सैनिकों के सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शहीद स्मारक का निर्माण कार्य कराया। वर्तमान में यह शहीद स्मारक शहर के बीचों बीच पुरानी सब्जी मंडी में स्थित है।